नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटिल के मार्गदर्शन में व विधायक महेश चौगले, जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भिवंडी शहर अध्यक्ष परेश चौगले उर्फ राजू की जिला कार्यकारिणी की घोषणा भाजपा मुख्य कार्यालय में किया गया, जहां पर सचिन वेरेकर को उपाध्यक्ष, रोहन कोंडलेकर को महासचिव, प्रणेश सुतार को सोशल मीडिया संयोजक, सिमरन शर्मा को यूटी संयोजक का पद देने के साथ ही कई युवा कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया। इस अवसर पर वहाँ युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश पाटिल, निखिल चौहान, परेश गुजरे, विक्रांत अचरेचर, अजीत सिंह, सदस्य शरद उकावले, जिला महासचिव विशाल पठारे, रवि सावंत, महिला आघाड़ी अध्यक्ष ममता परवानी, उपाध्यक्ष सतीशुला जाधव आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं शिवम झा की विशेष रिपोर्ट में। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से थाने विभाग में कल्याण जिला, भिवंडी जिला का दौरा प्रदेश अध्यक्ष इतना इस नाते से मैंने किया। आज भिवंडी शहर में सभी कार्यकर्ताओं से आकर संवाद करूं, उनसे मिलकर उनको, उन्होंने जो कोरोना के समय जो कठिन समय था उसमें जनता की जो सेवा की उसके लिए उनका अभिनंदन करूं, आभार व्यक्त करूं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी ऐसी थी जो रास्ते पर थी और बाकी सब पार्टियां जब घर में बैठकर कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, सभी राजकीय पार्टियों की युवा पार्टी जो संगठन है वो भी घर पर थी, कोई रास्ते पे उतरने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता रास्ते पे थे, उन्होंने जनता की मदद की। फिर वो अनाज देने का काम रहे, फूड पैकेट्स देने का काम रहे या सैनिटाइजर मास्क देने का काम रहे, जो इतर राज्यों के मजदूर थे उनको सहायता करने के विषय। अब जैसे कोरोना का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं और युवाओं से, हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद करूं, मिलूं और उनका आभार व्यक्त करूं, इसलिए आज भिवंडी में आए थे। अनेक कार्यक्रम जो आगामी का समय में हम करने जा रहे हैं और उस माध्यम से भिवंडी के जो युवा है, विद्यार्थी है, उनको सक्षम करने के लिए, उनके ऊपर जो अन्याय है उसको दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तैयार रहने की ज़रूरत है, कटिबद्ध रहने की ज़रूरत है, ये बताने के लिए आज का यह दौरा था। बहुत अच्छा दौरा हुआ, सभी से संवाद हुआ। हमारे जो अध्यक्ष है परेश जी चौगुले, इनके माध्यम से जो झुंझारू अध्यक्ष है, इनके माध्यम से जो टीम है वो बहुत ही ताकत से काम करने वाली और युवाओं का दुख जानने वाली टीम है। तो इनसे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और इनकी टीम ये भिवंडी के युवाओं का दुख दूर करेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा ये ऐसी संगठना होगी कुछ की जो यहाँ के युवाओं को अपनी संगठना लगे। हम दो कदम आगे आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी अपील करूंगा कि अभी आप भी दो कदम आगे आइए और हाथ में हाथ लेकर हम एक सशक्त भिवंडी, सशक्त महाराष्ट्र और सशक्त भारत बनाएंगे। नमस्ते। आज जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए हर कोई उत्सुकता में, मतलब इंतजार में था, विक्रम जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब। तो विक्रम जी आने के बाद उन्होंने अपनी उत्सुकता को इतनी, मतलब अच्छे से पेश किया उनके सामने कि उनको भी शायद अच्छा लगा। और ये उत्सुकता सिर्फ पार्टी के रैलीज या फिर किसी कार्यक्रम के लिए नहीं, तो हम हर कार्यक्रम और हर काम के लिए, जो भी मतलब लोगों के सेवा से जुड़े हुए काम, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एक वचन देता हूँ मेरे युवा टीम की तरफ से कि हम जो आपने दिए हुए काम है उसको पूर्णपणे पार करें। उनके लिए मैं एक इस तरह से शुभेच्छा देना चाहूँगा कि उनके, खास करके उनके लिए मैंने विक्रांत जी से मतलब एक रिक्वेस्ट की थी कि आपका दौरा अगर हो तो मुझे थोड़ा सा एक सिग्नल दे देना कि मैं उनको एक आपकी तरफ से एक ऐसा उनको सम्मान दे पाऊँ कि उनको और अच्छा लगे। और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब हमको सहयोग किया और हमको बढ़ावा दिया, हमारी आवाज़ और बुलंद होगी इनकी वजह से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।